शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। भाई आपको तो पता है ना, आपका भाई है बाइक लवर और आपके भाई की जो बाइक है ना बिल्कुल ही बच चुकी है। वो चेक करो, ऐसा लग रहा है मैयत है। मेरी प्यारी सी मुन्ना शपाटर जो है ना फुल मैयत बन चुकी है इस वक्त। आज से हमारी मुन्ना शपाटर का नाम उठ चुका है मैयत। और इस मैयत को ना बहुत मुश्किल हो गया मुझे संभालना, संभल ही नहीं रही। ये चेक करो, इसने तो मतलब बेड़ा गरक कर दिया। ये तो अब चलती भी नहीं है सही से, आवाज ही साली की चेंज हो गई है। इसका जो साइलेंसर है ना वो भी पंचायत हो गई है। ये चेक करो, इसका कप ही खत्म हो गया। जब से इसका साइलेंसर खराब हुआ है साले की आवाज ही खराब हो गई। वैसे यार हमारी बाइक दिखने में तो बड़ी खूबसूरत है, हर चीज। ये देखो यार कितनी ज्यादा खराब हो गई है, जब देखो टूटती रहती है। अभी कितना ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, पूरा इसका मुंह ही चेंज हो गया। क्या करूं यार, अब तो नई बाइक लेनी पड़ेगी। इस बाइक से मेरा दिल खराब हो गया, बस जब देखो टूटती रहती है यार। ये देखो यार इस बाइक की तो मट्टी पले ही धोई हुई, इसको तो धोने का भी दिल नहीं चाहता, इतना दिल खराब हो गया इससे। इस बाइक से अच्छा तो साला मैं यही चला लूं। एक तो इसमें पेट्रोल भी इतना खर्च होता है, इसमें तो साला कोई पेट्रोल भी खर्च नहीं होगा। आज से बस यही हो गई मेरी। ये बाइक तो कचरा है, मैयत है। आराम से आपका भाई उठा के कहीं भी जा सकता है और बॉडी बिल्डिंग करने का दिल चाहे वो भी कर सकता है। अब आपका भाई ये टूटी फूटी बाइक पे क्या अच्छा लगेगा क्या? ऐसी की तैसी हो गई है इस मैयत की। मगर कुछ सोचना पड़ेगा यार, अब कोई नई बाइक लेनी पड़ेगी। ये टूटी फूटी बाइक मैं नहीं चलाऊंगा यार, अब बहुत हो गया। इसको तो धुलवाने का भी दिल नहीं चाहता। मैं तो सोच रहा हूँ कोई ऐसी बाइक लेते हैं फुल हैवी बाइक टाइप, क्योंकि आपके भाई के ऊपर तो हैवी बाइक टाइप बाइक अच्छी लगेगी ना। तुम लोग क्या बोलते हो, कौन सी बाइक होनी चाहिए फात भाई के पास? इसको यार आपका भाई बेच रहा है बस। अगर किसी को ये टूटी फूटी बाइक लेनी है तो मुझसे खरीद सकता है। यार ये ले लें क्या, इसमें तो पेट्रोल भी नहीं डालते ना अंकल आप। चुप कर बे कुत्ते, क्या बात है यार, तो पेट्रोल की पंचायत ही खत्म हो जाएगी। चलो यार बस अब इस बाइक को घर पे रखते हैं और अब दूसरी वाली बाइक लेने चलते हैं। तो फिर चलें, लेट्स गो। तुम लोग बताओ यार फाद भाई को कौन सी बाइक लेनी चाहिए? आपके भाई पे तो वैसे हैवी बाइक सूट करेगी, मगर कुछ ऐसी बाइक होनी चाहिए जो पेट्रोल भी कम पिए। यार ये आपके भाई से पता है कैसे टूटी? अबे भाई साहब कहाँ घुस रहा है? अबे भाई हर कोई घुसता रहता है यार हमारी बाइक में। यार ये भी ऐसे ही कोई बंदा हमारा इस बाइक में घुस गया था। ये चेक करो, ऐसी की तैसी हो गई, पूरी बाइक का दिवालिया निकाल दिया उसने। और जब हमने उससे पैसे मांगे उसने बोला मैं गरीब हूँ। बाइक खरीद लूं क्या? बाइक खरीद लूं? अभी हैवी बाइक खड़ी है, उसे दोबारा गाड़ी लोगे? अरे मम्मा लेने देना, वो हैवी बाइक जो है ना मेरी, वो मुन्ना शपाटर, वो खराब हो चुकी है। उसका पूरा आगे से फ्रंट टूट गया, आप बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर उसको बेच के फिर उसमें कोई दूसरे पैसे लगा के अच्छी चलने वाली गाड़ी ले लो। अरे मम्मा गाड़ी नहीं लेनी, बाइक लेनी है। मोटरसाइकिल ही कह रही हूँ, वो ले लो ताकि वो सालों चला सको। अरे ये अपनी क्या हालत बना रखी है, कपड़े अच्छे पहनो अपनी हालत। अरे मम्मा ये कपड़े अच्छे तो पहने हुए, कम लग गया तुम्हें? कम तो इसी चीज का, मेरी शादी नहीं। और ये कपड़े इसीलिए पहने क्योंकि बॉडी बनाई है, बॉडी को दिखाऊं। ये चेक कर रहा हूं डोलेश्वर। वाओ वेरी अमेजिंग, बस बहुत है, इतनी ज्यादा बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। बस तुम अपनी मोटरसाइकिल की परेशानी है तुम्हारी, इसको बेच के और दूसरी कोई अच्छी रनिंग गाड़ी ले लो। सर्स होते हैं ये, अंडा अंडा नहीं बोलते। अरे अंडा बोलते हैं, अंडा पता नहीं, मुझे नहीं पता। मम्मा ये अंडा तो चुप करो, इनको सब खतरनाक। अरे मम्मा नहीं बनानी चाहिए इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा, चेहरा अजीब गेंडे जैसा, फिर वो हाथ ऐसे बाजू, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे मम्मा मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, मैं तो फुल शेर हूँ। कहते हैं बॉडी बिल्डर, आप मेरे को गेंडा बोल रही हैं? नहीं वो गेंडे बन जाते हैं ना, अजीब सी शेप हो जाता है, अजीब सा। वो मैं अजीब सा नहीं हूँ, मेरा तो अंडे है ना, देखे ना। अच्छा है तुम्हारी बॉडी, वही तो मैं कह रही बहुत अच्छी है, अब इससे ज्यादा नहीं। ठीक है लिमिट में हर काम अच्छा लगता है बेटा। अच्छा ना मम्मा, ठीक है मैं जा रहा हूँ फिर अच्छी सी हैवी बाइक लेने के लिए। चलो अल्लाह। यार वो कौन सी बाइक थी? हाँ S2R, ये तो मैंने सर्च भी की है पहले। S2R चेक करते हैं। अरे भाई साहब बाइक तो बहुत जबरदस्त है यार, मगर यार ये तो बहुत ज्यादा महंगी है, 8 लाख रुपए। ये जैसे इसकी एक्चुअल कराची के अंदर प्राइस है इसकी 8 लाख 5 और फिर 80। ये तो बहुत महंगी है, दोनों किडनियां भी बेच दी फिर भी नहीं आएगी, मगर ये है बाइक बड़ी टाइट। और भाई साहब ये बाइक भी ऐसी है जैसे आपके भाई की बॉडी है, फुल जॉइंट बड़ी सी। ये बाइक वैसे आपके भाई के ऊपर सूट भी करेगी, मगर बहुत महंगी है यार, और ये पेट्रोल भी ज्यादा पिएगी। कोई ऐसी बाइक लेनी पड़ेगी, पेट्रोल पिए नहीं सिर्फ सूंगे। फाइनली शोरूम पे आ चुके हैं दूसरी कोई बाइक लेने के लिए। यार यहाँ तो जबरदस्त किस्म की 125 खड़ी हुई है, और अंदर चेक करते हैं यार, अंदर भी मुझे लग रहा है बाप बाइक खड़ी है। अरे माशाल्लाह यार ये वाली बाइक चेक करो, और ये वाली बाइक चेक करो, और ये चेक करो भाई साहब, ये तो हमारी वाली बाइक है। मगर यार इस वाली बाइक से आपके भाई का दिल खराब है, क्योंकि आपके भाई ने चला ली ना इसकी वाट लगा दी चला चला। और यार अभी तो ये दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है, मगर थोड़े दिन में इसकी वाट लग जाती है इस बाइक की, क्योंकि आपका भाई चलाता भी तो इस तरीके से है ना। शोरूम पे आपका भाई अगर ये बाइक बिक गई ना तो बेच देगा। यार ये कितने की बाइक लेंगे?
खरीदेंगे वैसे? ये तो टीन डब्बा है, कहां से लेंगे हम? मतलब ये आप लोग नहीं खरीदेंगे? नहीं नहीं, टीन डब्बे वाले को बेचूंगा भाई। अच्छा देखो यार, शोरूम वाले भी बोल रहे हैं इसको टीन डब्बे वाले को बेचो। यार वैसे इतनी भी बुरी बाइक नहीं है यार हमारी। शोरूम वाले भाई जो हमारी बाइक चेक कर रहे हैं कैसी है, सही है वैसे, अच्छी बाइक है यार, खरीद ले यार। आपने तो इसकी ऐसी की वैसी कर दी है, देख तो सही गाड़ी में क्या बताया आपने, चला चला के पता नहीं क्या क्या कर दिया, टीवी लाइट वगैरह। वैसे ये लेंगे कितने की आप? टीन डब्बे वाले को बेच दो। जब बेचती जितनी भी खड़ी है ना, ये सारी की सारी लेमड़ी बाइक हैं। और इन सारी लेमड़ी बाइक्स के आप प्राइसेस देखो कितने ज्यादा महंगे हो गए। टीडी 70 168,900, 125 कितने की है, सीजी 125 234,000। इसमें तो घर जाएंगा यार। यार कोई ऐसी बाइक दिखाएं जो सस्ती भी हो और पेट्रोल भी कम पिए और बहुत चले भी लंबा। अभी तक होंडा में तो अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन एक बाइक आई थी। कौन सी? ये कौन सी है? होंडा 50। मतलब ये पेट्रोल भी कम पीती है? अरे भाई साहब दिखने में तो बड़ी टॉयड लग रही है, मगर ये मिलेगी कहाँ से? सर ये मिलती नहीं है, आपके दादा के जमाने की। मगर हम इसको ढूंढ के रहेंगे। देखते हैं इस बाइक को, मुझे प्यार होने लग गया है यार, कैसी टॉयड लग रही है। पी तो दीवार में लगी हुई है, दिल चाह रहा है इसको निकाल के ना यहाँ रख दूं और ये बाइक चला लूं। कहाँ से मिलेगी यार ये बाइक? चलो ये बाइक ढूंढते हैं। 125 ले लो ना आप। 125 यूट्यूबर हो, आपके इतना पैसा, 125 ले लो भाई। 125 वैसे है कितने की है वाली? 1,00,000 रुपए आपके लिए। 2,50,000 रुपए? अबे भाई साहब इतनी अंधी मची हुई है यार, इतना महंगाई क्यों है यार? ये 125 ले तो लूंगा, मगर ख्यालों की तपिश जिंदा हो जाती है ना, वो आ जाते हैं भाई लोग बोलते हैं चल बेटा। यार कोई ऐसी बाइक हो साला जो ऐसे रोडों पे चले, यहाँ तो रोड कम खड्डे ज्यादा और गटर का पानी। ये चेक करो यार, ये तो बाइक विल्ली लगा रही है यार, यहाँ पे तो लाइन से बाइकें ही बाइकें खड़ी हैं। कोई एक बाइक भी हमें पसंद आ जाए यार फिर खरीद लेंगे हम। और ये चेक करो कितनी सारी बाइकें खड़ी हैं, मगर इनमें से ना हमें कोई भी पसंद नहीं आ रही। हमें तो वही वाली पसंद आई वो जो पिक्चर में बनी हुई थी, वो पता नहीं कहाँ से मिलेगी। अरे ये खड़ी भी तो है यार, मगर ये तो बिल्कुल ही खस्ता हालत में लग रही है, बजी हुई है इसकी तो, इसकी तो बिल्कुल ही बजी हुई है। मगर यार ये तो पेट्रोल सूंघती है, जरा पूछते हैं है कितने की। 22,000 रुपए की। अबे 22,000 रुपए की बाइक, कभी तुम लोगों ने सुना है क्या? ये वैसे पेट्रोल पीती है, सूंघती है यार, ये मुझे पसंद नहीं आ रही यार, ये तो उजड़ा चमन हुई है बिल्कुल, सीट भी फटी हुई है, देखो अजीब सी हालत हुई है। ऐसी बाइक हो ना फुल साफ सुथरी फिर लेते हैं हम। यार 125 देख कर ना आपके भाई का दिल जो है ना फुल पिघल जाता है, और आपके भाई का बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, इस वजह से नहीं लेता। 85,000। अरे भाई साहब यार ये भी साले महंगी है, 85,000 में तो 70 मिल जाती है। ये लड़कियों की है ना वैसे, मैं सोच रहा हूँ ये भी ले लूंगा, अपनी बेगम को गिफ्ट कर दूंगा। कोई ना कोई बाइक तो हमें पसंद आ ही जाएगी, ढूंढते हैं यार कोई ऐसी बाइक मिले जो अपने मतलब की हो। नहीं बेच रही है? नहीं। अबे यार ये तो बेच ही नहीं रहे यार, अगर ये बेचते तो हम खरीद लेते हैं यार। ये वाली बाइक चेक करो यार कितनी प्यारी लग रही है, मगर यार इसका मालिक जो है ना वो बेच नहीं रहा। हालांकि जो चीज अच्छी लगती है वो क्यों नहीं मिलती यार, देखो यार कितनी ओला लग रही है, फुल खूबसूरत और दिखने में भी प्यारी है यार। मैकेनिक तो देखो फुल खतरनाक बैठे में, सबसे पैसे लूटने के लिए। यार ये मैकेनिक बहुत तेज होते हैं, बंदे को लूट लेते हैं। पंचर एक होता है और बताते हैं चार। यार साला इतनी सारी बाइक है, मगर यार अपने मतलब की कोई बाइक ही नहीं दिख रही। ये भी इतनी अच्छी बाइक, ये भी इतनी अच्छी बाइक, मगर अपने मतलब की नहीं है। अरे भाई साहब ये चेक करो यार, ये तो पूरे अपने मतलब की बाइक लग रही है, ये तो वही वाली बाइक है वो जो आपके भाई ने पिक्चर में देखी थी। यार माशाल्लाह से चेक करो यार कितनी आला लग रही है, और इसके ऊपर लोगो भी लगा हुआ है होंडा का। ये वैसे है किसकी? शोरूम वाले भाई को बुलाते हैं। शोरूम वाले भाई यार ये कितने की दे रहे हैं? शोरूम वाले भाई, अरे भाई साहब अल्लाह करे हमारा सौदा बन जाए इससे। Hey bro, what's up? You want to buy this one? ये कितने की दे रहे हैं? This is our golden piece, massive piece. If you buy this, you will be the lucky one to buy. This is the king piece, you know. British era, they were used to wipe this, you know, while, you know, there are many kings. भाई साहब नीचे सबटाइटल भी नहीं आ रहे, आप इंग्लिश कौन सी बोल रहे हैं? This is Saraiki. यार आप एक काम करें, मेरी ना मुन्ना सपाटर रख लें और ये वाली बाइक मुझे दे दें, ऐसा कुछ हो सकता है? अबे उसको तो कबाड़ी हो जाएंगे, भेजो पोड़ियों तो वह बिकेगी वो। यार मेरी मुन्ना सपाटर इतनी भी बुरी नहीं है, ये दुनिया बहुत बुरी है, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं तो तेरे को हरा भी समझता था, तो राम निकला रे। अच्छा दिया वो, बस सेल्फ मारो और गाड़ी तुम्हारी वैसे ही स्टार्ट। ये देखो टंकी इसकी, ये देखो इसकी टंकी में सिर्फ 500 रुपए का पेट्रोल डलवाओ और पूरा पाकिस्तान तुम आराम से घूमो, तीसरे में घूम चौथे में घूम। यार ये तो टाइट वाला सीन है यार, मतलब 500 में पूरा पाकिस्तान? 50 में 50 थी, हैदराबाद ले गया था। अच्छा हैदराबाद लेकर गए थे 500 रुपए में? भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। इतना बड़ा डब्बा उनके लिए बना दिया, इसमें बिठाओ और ये लेकर निकलो। बच्चे बिठाए गए, 36 साल लेकर आते हैं, सारे का सारे बच्चे आ जाएंगे इसके अंदर, चले आते थे आराम से। यहाँ पे बेगम बैठा, आम बगैरा बच्चे रखते थे। ये वैसे आपने कितने की ली थी? हमने 3,000 रुपए की ली। 3,000 रुपए की बाइक? बाबा आप चला के देखो, ज्यादा लंबी नहीं करो, देखो कितनी खूबसूरत गाड़ी चला। बस ठीक है मैं चला के देखता हूँ इसको जरा हम चला के देखते हैं यार ये कैसी है। ये तो साइलेंट मोड पे स्टार्ट हुई है और इसमें तो क्लच भी नहीं है यार, चला के देखते हैं।
अरे भाई साहब, अबे बगैर कलच की है तो? वैसे है तो बड़े मजे की यार, वैसे अच्छी है यार ये तो बगैर कलच के, मतलब इसमें पेट्रोल की भी टेंशन नहीं है यार, अभी सिर्फ रेस दूंगा आगे जाइए देखो। अरे भाई साहब, मतलब एक हाथ से यार, इसको जरा ना भगा के भी देखते हैं। अरे भाई साहब यार, पिकअप भी बड़ा जबरदस्त है और माशाल्लाह अच्छी है यार। यार अभी इसकी टेस्ट ड्राइव लेने आपका भाई निकला है, जैकी भाई के यार ये तो, और फुल इसमें कटिंग वटिंग भी टाइट हो सकती है। सब कहीं गधे में ही ना घुस जाऊं। अबे भैंस यार, वैसे जो बात है यार, स्पीड भी टाइट है इसके अंदर यार, ये चेक कर रहे हो, फुल आपका भाई चपाटा लग रहा है इसके अंदर। Young, stunning, 10 saal and I'm still running. Tumhe shak hai to Karachi chal, Karachi chal. Aake dekh kiska zor hai Karachi par. Hey. कैसी है बाइक मेरी? मजे की है ना? सबको पसंद आ रही है यार आपके भाई की बाइक। यार मजा आ गया भाई, आपके भाई को दिल को लग गई है ये बाइक। बस अब फाइनल हो गया यार, आपका भाई यही बाइक लेगा। अबे भाई साहब क्या है यार, हर कोई मेरी बाइक में क्यों घुसता रहता है यार? ओ चाचा, आपके अब्बा का रोड है क्या? अब तो नई बाइक ले ली यार मैंने, अब तो थोड़ा साइड में हट जाओ भाई, भरम ही अलग हो गए फात भाई के। यार इसमें ये वाला सीन टाइट है, मतलब बगैर क्लच वाला, जहाँ रोकनी है बस रेस छोड़ दो, खुद ही रुक जाएगी बाइक। इधर तो आपका भाई आराम से 12-13 बच्चे बिठा सकता है। जब आपके भाई के 12-13 बच्चे होंगे ना, फिर आपका भाई इसी डब्बे के अंदर बिठाएगा। यार पेट्रोल पंप कहाँ है? पेट्रोल पंप पे सिर्फ दिखा के लेकर आनी है बाइक, और इसमें पेट्रोल की टंकी फुल हो जाएगी और पूरा पाकिस्तान घूम सकते हैं। ये रहा पेट्रोल पंप, बस यहाँ इसको पेट्रोल पंप दिखा देते हैं इस बाइक को। हाँ भाई देख लिया, चलो अब चलते हैं भाई। चलो भाई यार 10 रुपए का पेट्रोल डाल, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म 10 रुपए का इससे ज्यादा नहीं आ सकता। यार ये तो बड़ी जबरदस्त बाइक है यार, कटिंग चेक करो, ऐसी आला कटिंग हो रही है यार इसमें तो। मजा आ गया यार इसको तो चला के, चस आ गई बगैर क्लच की बाइक है यार। अबे भाई साहब, अबे क्या कर रहा है, हटना अब बस, ये दे दे मुझे जितने की भी है। पक्का दे रहे हो? बस ले ली मैं। रसीद बनाओ भाई, रसीद। यार वैसे तुम लोग बताओ यार, आपके भाई पे ये वाली बाइक सूट कर रही है नहीं कर रही? आपका भाई तो मतलब हैंडसम है ना, आपके भाई पे तो करेगी ना सूट यार। के भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह खरीद ली है, और ये चेक करो यार, ये अब आपके भाई की हो चुकी है। और तुम लोगों को पता है ये कितने की है? 30,000, 30,000 बस, 30,000 रुपीज। चेक करो यार 30,000 में कैसी टाइट है यार, मतलब है नहीं अच्छी। और मजे की बात ये 50 जैसी है, मगर ये है 70। ये देखो इधर भी 70 लिखा है, होंडा 70, और इधर भी होंडा का लोगो लगा हुआ है। और ये पेट्रोल पीती नहीं, सूंघती है भाई। और यार ये बिल्कुल साइलेंट चलती है, जैसे आपके भाई की 150 थी ना बिल्कुल साइलेंट मूड पे, वैसे ही आपके भाई की साइलेंट मूड पे चलती है। चलो गाइस, फाइनली आपका भाई अपने घर पर आ चुका है अपनी प्यारी सी शपाटर को लेकर। अब तो माशाल्लाह से अब अपने घर पे आ गई ना, अब तो सब सेट है। अगर तुम लोगों ने इस वीडियो पे 50,000 लाइक करवा दिए ना, तो आपका भाई इसको फुल टाइम मॉडिफाइड करवाएगा, खतरनाक वाला सीन। फिर बिल्ली शिल्ली भी लगेगी इसमें। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।